आशा आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो में। तो यार आज जन्माष्टमी है, तुम जानते ही हो, तो आज हम जन्माष्टमी से ही रिलेटेड एक ड्राइंग बनाने वाले हैं। ठीक है, आज हम अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें यहाँ पे मटका बना लेना है। अब समझ ही गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले मटके से पहले यहाँ पे हमें एक लाइन खींचनी है, फिर हम यहाँ ऐसे फिर ऐसे करके पूरी यहाँ पे हमें स्टिक बना लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे आप इसमें इफेक्ट्स देने के लिए यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी ये नहीं बनाने वाला। मैं यहाँ पे ये बना के फिर यहाँ पे हल्का सा ऐसे ऐसे करके इफेक्ट डाल के ऐसे थ्री लाइंस ऐसे डॉट करके यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स बना देना। यहाँ पे मैं यहाँ पे शेड कर दूँगा। शेड करने के बाद मैं यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने ये पूरा रेडी कर लिया। मैं यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे इफेक्ट्स डाल के मिलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स डाल दिए हैं ताकि लकड़ी की तरह लगे। अब हमें यहाँ पे मटका बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हल्का सा कर्व लाइन डालूँगा। ऐसे करने के बाद हमें यहाँ पे ले जाके हल्की सी मिस्टेक होगा, मैं आपको ये ठीक करके मिलता हूँ। अब गाइस मैं ये ठीक कर दिया सब कुछ। यहाँ पे मैंने बना लिया है मटका। इससे अब हम एक और मटका बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये सब इरेज करके मिलता हूँ। फालतू लाइन जो है हमने, मैंने यहाँ पे दोनों मटके अच्छे से बना लिया। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके ये पूरा बना सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें माखन डालना है, जो कृष्ण जी को ऑब्वियसली बहुत पसंद होता है। यहाँ पे हम माखन के लिए थोड़े से मैं यहाँ पे कुछ ऐसे इफेक्ट्स डालने वाला हूँ ताकि हाँ लगे। यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ बना दिया। अब हमें यहाँ पे ऐसे डालना है। ऐसे करने के बाद यहाँ पे लाइन डालने के बाद मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ सर्कल बना दूंगा, या आप ट्रायंगल भी डाल सकते हो, फूल भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे ट्रायंगल डालूंगा, वो अच्छा लगता है मुझे, इसलिए आपको जो अच्छा लगता है आप वो डालना। यहाँ पे मैंने ऐसे बना दिया। मैं आपको पूरी लाइनिंग डाल के मिलता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे लाइनिंग डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मोर पंख बनाऊँगा।
मुझे ऐसे वाले मोर पंख अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यही वाले डालूंगा। डालने के बाद मैं यहाँ पे हैप्पी जन्माष्टमी लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइटल डाल रखा जन्माष्टमी ड्राइंग, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी डालूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और पी लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं जन्माष्टमी लिख देता हूँ, पहले वायदा लिख लूँ। यहाँ पे बना दिए पूरे, और यहाँ पे जन्माष्टमी लिखना बाकी है। मैं आपको यहाँ पे पूरा लिख के मिलता हूँ थोड़ी देर में। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया सब कुछ, थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी स्क्रीन, कोई नहीं। ये देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। अब मोर का पंख आप इसे और भी अच्छे से बना सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने शॉर्ट बनना थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, और मैं यहाँ पे पूरा डाल दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और बाय।